सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन आज प्रदेश के पंचायत राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रीणुआ ने फीता काटकर किया। दोनों मंत्रियों ने छात्र संघ अध्यक्ष बनवारी लाल स्वामी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया और उनके साथ फोटो खिंचवाए। दोपहर 1 बजे होने वाला उद्घाटन शाम 5 बजे हुआ, जिसके चलते दोनों मंत्री जब कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो पंडाल की बहुत सी कुर्सियां खाली दिखीं। कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र राठौड़ इतनी जल्दी में दिखे कि उन्होंने अपने स्वागत के दौरान साफा खुद ही अपने हाथों से ही पहन लिया। कार्यक्रम में विधायक खेमाराम मेघवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला प्रमुख हरलाल सारण, एशियाड गेम्स मेडलिस्ट मंजूबाला स्वामी, राधाकृष्ण स्वामी, करणी सिंह, बसंत शर्मा, उप जिला प्रमुख आदि मंचस्थ थे। दोनों मंत्रियों ने एबीवीपी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। प्राचार्य सीएस डोटासरा ने स्वागत भाषण दिया। दोनों मंत्रियों के आगमन से पहले भी कार्यक्रम काफ़ी देर तक चला, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के ओएसटी बीएल भाटी, मुख्य वक्ता रामेंद्र राठौड़ ने भी विचार प्रकट करते हुए विद्यार्थियों से लक्ष्य लेकर जीवन में आगे बढ़ने की अपील की। ओएसडी बीएल भाटी मंत्रियों के आने से पहले ही कार्यक्रम से प्रस्थान करने लगे, लेकिन जो ही वो मंच से नीचे उतरे तो उनके जूते उन्हें नहीं मिले, जिस पर मंच पर भाषण दे रही एशियाड मेडलिस्ट मंजूबाला स्वामी ने कहा कि यहाँ भाटी साहब की कोई साली हो तो उनके जूते कृपा करके लौटा दे। कुछ समय तक ढूंढने पर भी जूते नहीं मिले और आखिरकार बीएल भाटी साहब को बिना जूतों के रवाना होना पड़ा। कार्यक्रम में संदीप डोसी, सांवरिया पालम आदि ने गीत प्रस्तुत किए। अनेक कविताओं का दौर चला और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिससे कार्यक्रम रोमांचक हुआ। कार्यक्रम का संचालन कवि हरिराम गोपालपुरा, डॉक्टर नुपुर जैन ने किया। आप भी देखिए क्या क्या हुआ छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के दौरान, और बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। मैं अपने भाई से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर विराजित हमारे सारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब के स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा। मुख्य अतिथि राजेंद्र और राजू राम जी सारे साहब से और साथ में रहेंगे। इस पावन धारा पे माननीय राठौड़ साहब पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। प्रत्येक क्षेत्र में मेरा निवेदन रहेगा, सभी के चाहते हर दिल में वास करने वाले और हर दिल अजीज माननीय राजकुमार जी रीणुआ साहब के स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा। रौनक जी दाइबा, राजवीर जी जाखड़ और राजू प्रमोद स्वामी गोपालपुरा, प्रमोद प्रजापत गोपालपुरा, दर्शन खंडेलवाल जसवंतगढ़, सलोनी शर्मा जसवंतगढ़, पूर्वी शर्मा जसवंतगढ़, भरत सिंह दाबड़ी, रोहित दिदासर, विजय मुकेश शर्मा, शिल्पा भोजक, मदन गोयल, विपिन प्रजापत सुजानगढ़,
शोभना लाटा, दीपक वर्मा, गजेंद्र सिंह छापर, गजेंद्र जागीर छापर, गणेश प्रजापत कसूमी, उसको हम अगली श्रृंखला में लेंगे। पत्रकारों के स्वागत के पश्चात हमारे बीच विराजमान लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में, मेरा तो साला समझ में नहीं आता अगला प्यार कर रहा है कि एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। मानना है कि आप अपने आप को सफल बनाइए, सबसे पहले आप अपने आप को सफल बनाएंगे, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका गांव, आपका प्रदेश, आपका देश आप पे गर्व करेगा और अपना देश एक सफल देश होगा। तो युवाओं से यही कहना है कि अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप एक अपना टारगेट, अपना एक उद्देश्य, कौन आया था शिक्षा पद्धति के बारे में भी कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी कहा, और आज आपको मैं सारे बच्चों को, सारे युवाओं को निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखिए पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है वर्तमान में जिसकी 60 से 65 प्रतिशत आबादी युवा है, और जिस देश एबीवीपी टीम को और उनके कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। We'll be right back.